हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लास क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड 1/4 ऑफ ए पार्ट 1/3। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं वन बाय वन। 1/4 ऑफ, वी नो दैट ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 1/4 ऑफ को हटाएंगे क्या लगा है, मल्टीप्लाई। तो ए पार्ट हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं, 1/4 ऑफ 1/4। तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 1/4 ऑफ जो ए पार्ट है इसका 1/4, ठीक है। ऑफ को हटाएंगे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, और 1/4 ये आ जाएगा हमारे पास 1 × 1, 1। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 4 × 4 = 16, दैट इज आंसर। ऐसे बी पार्ट करते हैं, 1/4 ऑफ बी पार्ट 3/5। अब वी नो दैट ऑफ ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ऑफ को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई साइन लगा देंगे, एज इट इज कैंसिल आउट कोई नहीं है। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 × 3 एंड 4 × 5 = 20, दैट इज आंसर। ऐसे हमारे पास सी पार्ट है, 4 ऑफ 4 वी नो दैट 1/4 ऐसे सेम, इसमें भी करना है ऑफ को हटाना है मल्टीप्लाई लगाना है 4/3। हमें ऑफ को हटाना है मल्टीप्लाई साइन लगाना और कैलकुलेट करके राइट कर देना है, क्योंकि इसमें कैंसिल आउट हो रहा है। 4 × 4 = 4, तो आप कैंसिल कर सकते हो। 1 × 1, 1 एंड 3 × 3, दैट इज आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। मल्टीप्लाई करना है और साथ में रिड्यूस भी करना है, अगर वो पॉसिबल है तो रिड्यूस करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो वन बाय वन सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट 2/3 मल्टीप्लाई। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन में ही, तो मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करना हमें आता ही, ये मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाले में भी प्लस होते हैं। 2 × 3 = 6, 6 करेंगे 8, इसको राइट करेंगे 8/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर, कैंसिल नहीं हो रहा तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले डिजिट से, 8 × 2 = 16, और अपॉन में कितने डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है 3 × 3 = 9। अब 16 में 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हैं। डिवाइड करके देखते हैं, हम 9 के डिवाइड करते हैं, 9 × 1 = 9, रिमाइंडर कितने बचेगा हमारे पास 7। तो रिमाइंडर को हम डिवाइड करते हैं ऊपर और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको अपॉन में, तो ये आएगा 1/7/9 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद। तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया क्योंकि इसमें पॉसिबल था, ऊपर वाले डिजिट लार्ज है और अपॉन वाले डिजिट स्मॉल है, तो हमने डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे दिया, इसमें पॉसिबल था इसमें। सेकेंड हम सॉल्व करते हैं, 2/7 × 7/9। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो सकता है, 7 × 7 = 7, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई में कैंसिल कर सकते हैं, यू नो दैट। इसको ऐड कर सकते हैं, 2 × 2 एंड 9 × 9। अब देखिए 2 में 9 का डिवाइड मिक्स फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हम यही ड्रॉप कर देंगे क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, 2/9, तो आंसर ये होगा 2/9, क्योंकि ऊपर वाले डिजिट लार्ज होनी चाहिए थी और 4/1 वाले डिजिट स्मॉल होनी चाहिए, तो हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे देते, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है। थर्ड, 3/8 मल्टीप्लाई 6/4, कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 से कैंसिल हो रहा है, देखिए 6 और 4, 2 × 3 = 6 एंड 2 × 2 = 4, अब नहीं हो रहा कैंसिल आउट, तो
3 × 3 9 एंड 8 × 16। अब इसमें भी पॉसिबल नहीं है मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना क्योंकि ऊपर वाली डिजिट स्मॉल है और डिवाइड वाली डिजिट लार्ज, दैट इज आंसर। बी का आंसर दे देना। फोर्थ पार्ट देखते हैं। 9/5 × 5 इसमें भी कैंसिल आउट नहीं हो सकते, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो ऊपर का होता है मल्टीप्लाई करते 9 × 3 = 27 और डिवाइड में डिवाइड का 5 × 5 = 25। अब इसमें आप डिवाइड कर सकते हो क्योंकि ऊपर वाली डिजिट लार्ज है, 27 25 से ज़्यादा लार्ज होती है, तो 27 में 25 का डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 में से 5 तो हुई जीरो, तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर को एम आउट करते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइड, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन का आंसर देखिए 1/2 / 25 दैट इज। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, विच इज 2/7 ऑफ 3/4 सेकंड 3/5 ऑफ 5 इन दोनों में से कौन ग्रेटर है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2/7 ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, 3/4 तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, कैंसिल आउट हो गए तो कैंसिल कर देते हैं, लेकिन 2 से 4 कैंसिल हो सकता है, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4 तो ये आएगा हमारे पास 7 × 2 = 4। ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3/5 ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, 5/8 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल 1 × 10 = 1 तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3 × 3 एंड 8 × 8। अब देखिए इस केस में यहाँ डिनोमिनेटर 14 है और यहाँ 8, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर हम सेम करते हैं, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा, एलसीएम ऑफ 14 एंड 8, तो 14 और 8 का एलसीएम कैसे लेते हैं देखते हैं। 14, 8 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिविजिबल है दोनों, 2 × 7 = 14 एंड 2 × 4 = 8 अगेन 2 से डिविजिबल है तो 7 में तो जाएगा, 7 का एज इट इज डिवाइड करते हैं, 4 से जा सकते हैं 7 1। अगर देखो सिंगल डिजिट में आप डिवाइड करने लगते हो तो कर सकते हो, अब 7 में किसका जाएगा 7 में, हम जब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारे पास लास्ट में क्या नंबर जाए 1 में, तो इसका जो एलसीएम आएगा इस सब डिजिट को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 7 × 2 = 14 14 × 2 = 28 28 × 2 = 56 तो 14 एंड 8 का जो एलसीएम आया वो क्या है हमारे पास 56। अब हम क्या करेंगे 3/4, अब देखिए 56 जो एलसीएम है उसमें 14 का डिवाइड करके देखते हैं कितने टाइम्स आएगा, 14 × 4 = 56 तो जो 4 है डिवाइड करने पे क्या आया था 4, इट मीन्स 3/14 को किससे मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 4 से, ऐसे ही 3/8 यहाँ पर राइट करते हैं, डिनोमिनेटर इसका क्या है 8, 56 में 8 का डिवाइड करके देखते हैं क्या आया, 56 में 8 का जो डिवाइड 7 टाइम्स आएगा 8 × 7 = 56 तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर में, फिर उस डिनोमिनेटर वाली डिजिट का मल्टीप्लाई करके देखें कितने टाइम जाता है, उसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना, समझ आया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करके लिखें 4 × 3 = 12 14 × 4 = 56 ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 7 = 21 एंड 8 × 7 = 56। अब देखिए डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो चुका है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो लार्ज नंबर होगा वो लार्ज होगा और जो स्मॉल होगा वो स्मॉल होगा, तो 12 और 21 में से ग्रेटर कौन सा है 21,
इट मीन्स साइन हम कौन सा यूज करेंगे, ये अब 21 और 56 की जो फ्रैक्शन थी उसको राइट कर देते हैं 3/8 साइन ग्रेटर, और 12/56 की जो फ्रैक्शन हमारे पास है वो है हमारे पास 3/4 दैट इज हाफ।